सत श्री अकाल जी सारयां नूं, स्वागत है तुहाडा यम तड़का पंजाबी कुकिंग दे विच। अज बनावांगे आपां सैंडविच दी बहुत ही टेस्टी रैसिपी। सैंडविच खाणा सब नूं ही बहुत ज़्यादा पसंद हुंदा है, ते सैंडविच आपां तंदूरी मेयोनीज़ पा के तैयार करांगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ते मेरे घर विच हफ्ते विच दो वार इह वाले सैंडविच मैं जरूर बनांदी हां, बच्चां नूं बहुत ज़्यादा पसंद आउंदे हन, ते वड्डे वी बहुत ही खुश हो के खांदे हन। ते आओ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सैंडविच बनाउण दी रैसिपी शुरू करदे हां। सब तो पहला आपां सैंडविच वास्ते स्टफिंग तैयार करांगे। एक चम्मच लवांगे तंदूरी मेयोनीज। तंदूरी मेयोनीज हर ग्रोसरी स्टोर तो बहुत ही आसानी नाल मिल जाती है। एक चम्मच लवांगे वेज मेयोनीज। एक चम्मच पास्ता सैंडविच सॉस लवांगे। आधा चम्मच टमाटो कैचअप लवांगे। दो पाउच आपां ओरेगैनो दे पावांगे, या फिर तुसीं एक चम्मच ओरेगैनो दा पा सकदे हो। इहदे नाल टेस्ट फ्लेवर बहुत ज़्यादा वधिया आउंदा है। कई बार आप बाहर तो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं, उन्होंने भी आपको ओरेगैनो मिलते हैं, जो बच जाते हैं तो आप इस तरीके ना सैंडविच या पास्ता वगैरह में इन्होंने यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच आप चिली फ्लेक्स पावांगे, बिल्कुल थोड़ी जी आप काली मिर्च का पाउडर पावांगे, बिल्कुल थोड़ा जहा आप नमक पावांगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं पावांगे क्योंकि मेयोनीज़ वगैरह में भी नमक होंदा है, तो जिहड़ी आप सॉस पाई है उहदे विच भी नमक होंदा है, इस करके आप नमक बहुत थोड़ा यूज़ किया है। हुण आप इन सारे चीज़ों को चंगी तरह मिक्स कर लवेंगे। ये वाले सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं जो इस तरीके बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे सैंडविच बन के तैयार होंगे, बहुत ही फ्लेवरफुल। हुण साडी सॉस बिल्कुल तैयार है, इहदे विच आप कुछ सब्जियां पावांगे। एक छोटा बरीक कटिया हुआ प्याज पावांगे, प्याज नूं बिल्कुल बरीक कट के लवांगे। एक शिमला मिर्च नूं आपां बिल्कुल बरीक कट के पावांगे। दो तीन चम्मच आपां स्वीट कॉर्न दे ले हन, इन्हां नूं आपां हल्का जिहा पानी विच बॉयल किया है, तां आपां इन्हां नूं छाण के ते इहदे विच पा देवांगे। हुण आपां इन्हां सारे चीज़ां नूं चंगी तरह मिक्स करांगे। स्वीट कॉर्न मैं इत्थे फ्रोजन वाले यूज़ किए हन, तुसीं इस तों बिना भी इह सैंडविच बना सकदे हो, पर इहदे नाल सैंडविच बहुत टेस्टी लगदे हन, तां बच्चां नूं बहुत ज़्यादा पसंद आउंदे हन। हुण सैंडविच वास्ते मैं स्टफिंग बिल्कुल तैयार कर ली है। हुण आपां इत्थे ब्रैड्स लवांगे, तुसीं ब्राउन या फिर वाइट कोई भी ब्रैड ले सकते हो, ते दो चम्मच भर के आपां इहदे उपर स्टफिंग लगावांगे। स्टफिंग दो चम्मच इहदे उपर लग जाएगी, तां आपां चंगी तरह इहनूं इहदे उपर स्प्रैड कर देवांगे, अप्लाई कर देवांगे इस तरीके दे नाल। इस स्टफिंग विच तुसीं बरीक बरीक कट के पनीर भी पा सकते हो, उह भी बहुत ही वधिया लगदा है। हुण मैं चंगी तरह स्टफिंग लगा ली है। हुण आपां इहदे उपर दी ब्रैड लगा के ते इहनूं बंद कर देवांगे इस तरीके दे नाल। उपरों हल्का जिहा प्रेस करांगे। हुण अपना सैंडविच वास्ते इह ब्रैड तैयार है। हुण आपां बाकी दे ब्रैड्स भी इसे तरीके नाल सैंडविच वास्ते तैयार कर लवांगे। आपां इहदे उपर दो चम्मच भर के इस तरह स्टफिंग लगावांगे, ते सारे ब्रैड आपां इसे तरीके नाल जिहड़े हन स्टफ कर लवांगे। हुण आपां बटर नूं मेल्ट किया है ते इहदे उपर लगा देवांगे, या फिर तुसीं देसी घिओ दा यूज़ भी कर सकते हो। बटर जिहड़ा है मेल्ट करके ही इहदे उपर लगेगा, इस तरीके नाल आपां दोनों सैंडविच दे उपर बटर लगा देवांगे। बटर आपां बहुत चंगे तरीके नाल लगाया है तां कि साडे सैंडविच बहुत क्रिस्पी बनन। तो हुण आपां इहनां नूं तवे दे उपर रखांगे। हुण गैस उपर मैं ग्रिल पैन रख्या है, पैन हल्का जिहा गर्म हो गया है। सैंडविच दी जिहड़ी साइड ते मैं बटर लगाया सीगा ओह साइड आपां पैन वाली साइड इस तरीके नाल रख देवांगे। दोनों सैंडविच आपां इस तरीके नाल रखांगे। फ्लेम नूं आपां बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है, ते लो टू मीडियम फ्लेम दे उपर आपां इहनां चंगी तरह जिहड़ा है रोस्ट कर लवांगे गोल्डन होण तक। हुण आपां इहदी दूसरी साइड भी बटर लगा देवांगे। तुसीं नॉर्मल तवे उपर या पैन उपर भी इह सैंडविच बना सकते हो। अगर तुहाडे कोल सैंडविच मेकर हैगा, तुसीं उहदे विच भी इह वाले सैंडविच बहुत ही आराम नाल बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ते क्रिस्पी सैंडविच बन के तैयार हुंदे हन। दोनों साइड आपां इहदे बटर अप्लाई कर दिता है इस तरीके नाल। सैंडविच आपां लो टू मीडियम फ्लेम ते सेकांगे तां कि साडे सैंडविच बिल्कुल गोल्डन जिहे हो जाण। हुण आपां हल्का हल्का इहनां नूं उपरों दी प्रेस करांगे इस तरीके दे नाल। प्रेस करदे होए आपां इहनां नूं सेक लवांगे। हुण आपां इहनां दी साइड चेंज करके देखते हैं किस तरह का कलर आया है। हुण तुसीं देख सकते हो बहुत ही वधिया गोल्डन इस तरीके तों इह फ्राई हो गए हन। हुण आपां दूसरा सैंडविच भी इस तरीके नाल जिहड़ा है उहनूं भी आपां साइड चेंज कर देवांगे।
सैंडविच एक साइड तो बहुत ही वधिया गोल्डन जिहड़े रोस्ट हो गए हैं, हुण आपां दूसरे पासे में इस तरीके नाल इहनूं गोल्डन कर लवांगे। हल्का हल्का प्रेस करदे होए आपां सेकांगे तो इस तरीके नाल सैंडविच बहुत ही वधिया क्रिस्पी बन के तैयार होंदे हन। हुण तुसीं देख सकते हो कि सैंडविच इस साइड तो बहुत ही वधिया तो दूसरी साइड तो बहुत वधिया गोल्डन जिहड़ा है साडा रोस्ट हो गया है। तो हुण आपां इहनां नूं तवे तों नीचे उतार लवांगे तो दूसरा सैंडविच बहुत ही वधिया तैयार हो गया है। तुसीं इह वाले सैंडविच बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो, बच्चे बहुत ही खुश होकर खाणगे तो बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बन के तैयार होंदे हन। हुण आपां इहनां नूं एक नाइफ नाल कट के देखते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बाहरों बने हैं, अंदरों बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बन के तैयार हुए हैं। सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो बहुत ही फ्लेवरफुल बन के तैयार हुए हैं। तुम ये वाले सैंडविच बच्चों के टिफिन बॉक्स में या फिर तुम मेहमानों के आने पर बनाओगे, सारों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तुहानू मेरे सैंडविच की रैसपी किस तरह लगी मैंने कॉमेंट्स में जरूर दसना तो मेरे चैनल यम तड़का पंजाबी कुकिंग जो सबसक्राइब करना। तो फिर मिलते किसी इस तरह की होर टेस्टी इंटरेस्टिंग रैसपी के नाल। उदों तक लई सत श्री अकाल।